इसको, तो मैंने कृषि विभाग से एक डिग्गी सेंक्शन करवाई और डिग्गी सेंक्शन करवा के उस डिग्गी बनवाई और डिग्गी बनवा के फिर पानी उस वो फुहारा वाला रुक रुक के आ रहा है, वो डिग्गी को स्टोर कर लिया। अब जैसे कि अभी बाजरे की बोई हुई, तो बाजरे की बोई उस समय बाजरे की बोई की उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जमीन सूख गई, तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि बिजली करके वो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस बाजरे को उगड़े में नमी चाहिए, तो हमने खड़े ही होने के 12 घंटे बाद में उस पर पूर्ण फुहारे चला दी। फुहारे चलाने में क्या है कि जमीन नमी पकड़ ली, ठीक है, नमी पकड़ने की वजह से वो नमी पकड़ ली और आंधी भी आए ना, तो भी वो बराबर धूल इधर उधर अपने आगे मालूम गए मिट्टी है वो कहीं उड़ेगी नहीं, तो मतलब कम से कम 2 एकड़ में, बाकी तो देसी थी, 2 एकड़ में वो ऐसे मैंने वो फुहारे चलवा के किसी की नहीं रही। अच्छा, मेरे को भी 7-7 फुट बाजा वो आगे बाजा ये सिटी है, और कई बात ऐसी होती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उसके अंदर उनकी जो उनके होते हैं वो बहुत काम आती है, ठीक है ना। परिजनों पे ज्यादा फैकल्टी पे ध्यान देना होता है कि मित्र कैसे हैं, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कैसे किसके साथ बैठता है, कैसे करता है। घर से पूरे स्कूल में 7 घंटे स्कूल रहा, 4 घंटे वो बाहर रहता है, बाहर रहता 4 घंटे 5 घंटे रह जाए, लेकिन उसके साथ में बैठने वाले करते क्या है, उसकी पहली नजर रखनी बहुत जरूरी है, ये रखेंगे तो। और इसमें आज अपने बाड़मेर में मैं बताऊँ, इस मोटिवेशन की वजह से जो ये जो युवा वर्ग है ना बहुत ही बहुत पीछे रह रहा है, और ऐसी कोई ये पैसों के चक्कर में ये जो कोचिंग सेंटर तो बहुत खोल लिए, लेकिन मोटिवेशन करने वाला कोई है ही नहीं। अगर ये कोई करेगा ना, ये फालतू में कर रहा है क्या है, क्या है इसके बारे में कुछ नहीं, ऐसा आप खुद नहीं क्यों सुधरते नहीं, हाँ हाँ खुद गलत को नहीं है, अरे खुद नहीं आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे सेमिनार होता है।